अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कीमे के पैटीज की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम कीमा, आधा किलो आलू, एक अंडा, एक गिलास पानी, 2 टेबलस्पून हरा मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आलू और अंडे को हम बॉईल कर लेंगे। आलू को बॉईल करके मैश कर लेंगे। कीमे को हम बॉईल करने के लिए रख लेंगे। कीमा डालेंगे, हरा मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर और नमक और 1 ग्लास पानी डालकर स्लो फ्लेम पे कीमे को पकने के लिए रख देंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा पक जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। कीमे की पैटीज के लिए कीमे को बॉईल करके तैयार कर लिया है। आलू को भी मैश कर लिए, फिर उसमें नमक डाल के मिक्स कर लिया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। अंडे को भी बारीक काट लिया है और हरी मिर्च और हरा धनिया। अब हम चीज़ों को मिक्स करेंगे। कीमा डालेंगे इसमें, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, और बॉइल अंडा। अब हम सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम कीमे की पैटीज तैयार करेंगे। ब्रेड क्रम्स लिया है और 2 अंडों को बीट किया है। अब हम कीमे की पैटीज तैयार करेंगे। आलू लेंगे थोड़े से, ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे उस पे। अब इस पर कीमा डालेंगे। डालने के बाद इस तरह पैटीज तैयार करनी है हमें। अब इसमें अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद दोनों तरफ अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इस तरह रखते जाएंगे। 11 कीमे के पैटीज तैयार कर लिए हैं। इतना कीमा बाकी बचा था तो आप आलू एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब कीमे की पैटीज को फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम कीमे की पैटीज को फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है।
अब ये ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह सारे फ्राई करेंगे। कीमे की पैटी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पालक के पकौड़े की रेसिपी बताएंगे। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिलती रहे। हम लेंगे 15 पीस पालक के, 1 कप बेसन, चने का आटा, नमक, ऑयल, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया जिसको मैंने भून लिया है और ग्राइंड कर लिया है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। पालक को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम बेसन को इसमें मिक्स करेंगे प्याले में। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे, पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार कर लिया है हमने। अब इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। हमने ऑयल को गरम कर दिया है। अब एक एक पत्ते को लेके इस तरह एक एक पत्ता डालते जाएंगे। मीडियम आंच रखनी है चूल्हे की। जब ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। हम इसको निकाल देंगे, इसका ब्राउन कलर हो गया। हम सारे पत्तों को फ्राई कर लेंगे। पालक के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। आप अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।